आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं खास समाचार। शहर गुलबर्गा अपराधों की राजधानी बन गया है, सीतापुर के विधायक प्रियंक खड़गे ने कही ये बात। केजरीवाल जी, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाओ, दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू करो, बीजेपी नेता मनोज तिवारी का तंज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, अभिनेत्री शरहंती चटर्जी ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। मेरे पास बताने को आप कुछ भी नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने जज को दी चिट्ठी। पूरा भरोसा, पार्टी हाईकमान सही फैसला करेगा, सोनिया गांधी से भेंट के बाद बोले सचिन पायलट। गुरुग्राम में नहीं थम रहा है विवाद, नमाज पढ़ने वाली जगह से गोबर के उपले नहीं उठने दे रही है हिंदू संगठन। हिंदुत्व की आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम से तुलना गलत, सलमान खुर्शीद की नई किताब पर बोले गुलाम नबी आजाद। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को समय देने का अनुरोध मान लिया। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। भारत में पिछले 24 घंटे में 12,516 नए कोविड-19 के केस, कल से 4.4% कम। यूपी चुनाव को लेकर अमित शाह की आज बड़ी बैठक, वो सभी 98 जिले के जिला अध्यक्ष और सभी 403 सीटों के प्रभारियों और नेताओं से मिलेंगे। कुलगाम इनकाउंटर, जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे, 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 77.8% कारगर, लैंसेट स्टडी में दिखा देसी वैक्सीन का दम। कंगना रनौत को दिया गया पद्म पुरस्कार तुरंत वापस लेना चाहिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कंगना के दिए गए बयान को लेकर कही ये बात। कंगना रनौत ने हाल ही में एक टीवी कार्यक्रम में बयान दिया था कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली, जब पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। 1947 में मिली आज़ादी तो भीख थी। कंगना बोली, 2014 में मिली असली आज़ादी, 1947 वाली तो भीख थी, वरुण गांधी ने सुनाई खरी खोटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से युवा छात्रों को क्लाइमेट चेंज मुहिम से जोड़ने को कहा। सुष्मिता सेन का ये खतरनाक अंदाज उड़ा देगा होश, बोली शेरनी इज बैक। सुष्मिता सेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार की पॉपुलर वेब सीरीज आर्या 2 को लेकर ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि इस बार ये सीरीज पहले से ज्यादा खतरनाक रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डीएमआरसी को पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से लेनी होगी मंजूरी। जम्मू एंड कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा अभियान, हिजबुल के 2 आतंकी ढेर, ऑपरेशन चार। मुंबई में भीषण आग की एक और घटना, कबाड़ के गोदाम में उठी लपटें, कोई हताहत नहीं। केपी एक्सप्रेस में इतना ही, देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।